लोग का स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल न्यूज में। दोस्तों मैं आप लोग को बता दें कि बिहार एसएससी सीजीएल की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि अब आप लोगों का बिहार एसएससी थर्ड ग्रेजुएट लेवल के बाद अब आप लोगों को बिहार सरकार बीएसएससी फोर्थ ग्रेजुएट लेवल का बहाली निकालने वाली है। तो चलिए इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारी आप लोगों को देते हैं कि यह जो बड़ी वैकेंसी कब आने वाली है और कब से इसकी अप्लाई होगी और कब कितने पोस्ट के लिए अप्लाई होगा, उसकी पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में होगा बेल आइकन उसको ऑल पे प्रेस करें ताकि जब मैं आप लोग इस तरह का अपडेट करें तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इस वीडियो को और शुरुआत करेंगे हम लोग एक छोटा सा पेपर आर्टिकल के माध्यम से जिसमें कि बिहार चतुर्थ ग्रेजुएट लेवल के बारे में जानकारी दिए गए हैं। तो चलिए उस जानकारी को हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि क्या बोला गया है इस संदर्भ में। चलिए दोस्तों आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर आज ही का पेपर आर्टिकल है यानी कि 7 अक्टूबर 2023 जिसमें बताया गया है। आप लोग स्क्रीन पर देखेंगे तो इसमें एकदम मोटे मोटे अक्षरों में दिया गया है कि चतुर्थ स्तरीय यानी कि फोर्थ ग्रेजुएट लेवल पद की सभी विभागों से मांगी गई रिक्तियां, यानी कि आप लोग का रिक्तियां मांगी गई है तो स्पष्ट है कि आप लोग का वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। तो आगे हम लोग देखेंगे सामान्य प्रशासन विभाग में विभागों को भेजा गया पत्र। उसके बाद आप लोग को मैं यहाँ पे बता दें जो मेन न्यूज़ है आप लोग यहाँ पर है। सबसे देखिए 2 महीने में प्रतियोगिता परीक्षा की रिक्तियाँ आएगी। माना जा रहा है कि इस 2 माह के अंत तक अंदर चतुर्थ स्तरीय यानी कि फोर्थ ग्रेजुएट लेवल प्रतियोगिता परीक्षा के रिक्ति जारी की जाएगी। इससे पहले बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के मुख्य परीक्षा का रिजल्ट पिछले माह जारी किया था। अब आप लोग बता दें कि यह जो आप लोग का वैकेंसी है आप लोगों को कब तक जारी करने की दिया गया, आप लोगों को यहाँ पे देखिए जो रिक्ति की मांग किया गया वह कब तक यहाँ पे सबमिट करने के आदेश दिया गया था, 30 अप्रैल तक भेजा जाना है। तो आप लोगों को यह ऑलरेडी भेजा जा चुका है। अब आप लोग का इंतज़ार होगा कि यह कब वैकेंसी आएगी, तो आप लोगों को दिसंबर तक यह वैकेंसी आ जाएगी यानी कि आप लोग को जो बीएससी फोर्थ ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म भराएगा वह कब से भराने की संभावना है, तो आप लोगों को 2024 से पहले ही मंथ से आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। तो चलिए आई होप आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुआ होगा और जानकारी अगर आप लोग को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं और आप लोग जो भी चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल पर प्रेस करें ताकि जब भी मैं आप लोग इससे जुड़ी हुई जानकारी अपडेट करें तो आप लोगों को जानकारी सबसे पहले मिले।